इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एयर एशिया का एक विमान लापता हो गया है। इंडोनेशिया से सिंगापुर ये विमान जा रहा था। आपको बता दें, रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एयर एशिया का विमान लापता हो गया है। फिलहाल इस बारे में और जानकारी और नहीं मिल पा रही है, कितने यात्री इसमें सवार थे, कैसे लापता हुआ। एटीसी से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, उनसे जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, इंडोनेशिया से सिंगापुर जा रहा एयर एशिया का विमान लापता हो गया है। बड़ी खबर, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि एयर एशिया का एक विमान लापता हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एयर एशिया का विमान लापता हो गया है इंडोनेशिया से। दरअसल इसने उड़ान, इंडोनेशिया से सिंगापुर की उड़ान इससे भरी थी। 155 यात्री बताया जा रहा है इस विमान में सवार थे। पूरा विमान ही लापता हो गया है। फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है इस विमान के बारे में। 155 यात्री एयर एशिया के इस विमान में सवार थे, जो कि इंडोनेशिया से सिंगापुर जा रहे थे। इस विमान ने इंडोनेशिया से उड़ान भरी थी सिंगापुर के लिए, जिसमें कि 155 यात्री सवार थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त यह बड़ी खबर आ रही है। सुबह से ही बताया जा रहा है कि इस विमान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। 155 यात्री इस विमान में सवार थे।